हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सीटीएम क्या होता है। सीटीएम को लेके बहुत सारे डाउट है बहुत सारे लोगों के। मुझे व्हाट्सअप पे इंस्टा पे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं कि मैम मेकअप से रिलेटेड सीटीएम क्या होता है और हमारा मेकअप ब्लैक पड़ जाता है। तो आज क्लियर करने वाली हूँ सब कुछ, मेकअप की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, सीटीएम होता क्या है, सीटीएम करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सब कुछ बताने वाली हूँ। ऑयली स्किन पे कैसे करना चाहिए, ड्राई स्किन पे कैसे करना चाहिए। मेकअप अगर आप कर रहे हो, बेगिनर्स हो, मेकअप सीख रहे हो या फिर लॉन्ग टाइम से मेकअप कर रहे हो तो आपको पता ही होगा सीटीएम क्या होता है, लेकिन क्या क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा मेकअप ब्लैक पड़ जाता है और अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, सीटीएम को करने का सही तरीका क्या है, सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से ना मिस ना हो। वीडियो होने वाले काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक। सेकंड चैनल पे जरूर जाइए, प्रीत तिवारी सेकंड चैनल का नेम है एंड इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, वहाँ पर मेरी पागल फंती एंड रील्स वीडियोज देखने को मिलेंगी तो वहाँ पर भी जरूर जाइएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते, ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से बता देते हैं कि सीटीएम क्या होता है और आपको मेकअप स्टार्ट करने से पहले कैसे करना चाहिए सीटीएम अपने चेहरे का। सबसे पहली चीज़ तो सीटीएम में तीन चीज़ें यूज होती हैं, क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अब टोनर कौन सा लेना है, क्या करना है, सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। ये तीनों चीज़ें होती हैं और मेकअप स्टार्ट करने से पहले सीटीएम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे फेस के लिए। अगर आपने सीटीएम किए बिना मेकअप स्टार्ट कर दिया तो आपका फेस पहले से ही जैसे डर्ट वगैरह है, आपने साफ नहीं किया है तो आपका मेकअप ब्लैक पड़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहली बात, सीटीएम ऑयली स्किन पे और ड्राई स्किन पे किस तरीके से करना चाहिए। सीटीएम का ये सेम प्रोसेस है जहाँ तक सभी यूट्यूबर्स बताते हैं या फिर सब मेकअप आर्टिस्ट मेकअप जो भी करते हैं सभी लोग बताते हैं, क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। लेकिन ये स्टेप है नॉर्मल स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, लेकिन ऑयली स्किन पे थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करना होता है वो भी बताऊँगी। तो सबसे पहले सीटीएम जो किया जाता है वो बता देती हूँ। सबसे पहले आपको करना है क्लिंजिंग। क्लिंजिंग हम लोग नॉर्मली क्लिंजिंग मिल्क लेते हैं और कर देते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड करके फिर क्लिंजिंग करते हैं अपने फेस को तो जो भी एक्स्ट्रा डर्ट होगा, एक्स्ट्रा गंदगी होगी फेस में, वो रिमूव होने में काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसे अगर आपका 50% रिमूव होता है तो अगर आपने ग्लिसरीन ऐड कर दिया इसमें क्लिंजिंग मिल्क में तो आपका 80 to 90% तक आपका जो डर्ट है वो स्किन से रिमूव हो जाएगा। तो ये है अरोमा का क्लिंजिंग मिल्क, काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छा ग्लो भी देता है स्किन में और बहुत अच्छे से डीप क्लिंजिंग करता है। तो इसको आपको लेना है, कस्टमर के फेस पे ऐसे अप्लाई कर देना है, ओके, पूरे फेस पे फैला लेना है और ऑयली स्किन पे ग्लिसरीन जरूर डालें, ओके। ड्राई टू नॉर्मल एंड सेंसिटिव स्किन पे आप नहीं डालोगे चलेगा, लेकिन ऑयली स्किन पे थोड़ा सा ग्लिसरीन जरूर ऐड करें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जिससे सीटीएम करने के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाए। और मेकअप स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी स्टेप है ये, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बिना सीटीएम किए आपको मेकअप बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी तरीके से सेम आपको कस्टमर के फेस पे भी करना है। जितने प्रोडक्ट आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो वो उतने ही प्रोडक्ट आपको गले पे भी जरूर अप्लाई करना है, फाउंडेशन हो गया, कंसीलर हो गया, हर एक चीज़, क्योंकि आपका फेस फेयर एंड ग्लोइंग बन जाता है मेकअप करने के बाद, लेकिन जो नेक होती है वो सेम कलर में नहीं रहती है तो उससे आपका मेकअप थोड़ा सा अजीब लगता है, भद्दा लगता है। इसलिए आपको जितने भी प्रोडक्ट आप अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हो, जो भी पार्ट शो हो रहे हैं जैसे हैंड हो गए, नेक हो गया, सब पे अप्लाई करना है, बैक हो गया। तो हमने यहाँ पे क्लिंजिंग तो कर ली, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पूरा स्टेप बाय स्टेप अभी मेकअप की वीडियोस चलेंगी। अभी मैंने हेयर कट किया था अपना, उसकी वीडियो मैंने डाल दी है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अपनी बेटी का लॉन्ग टू शॉर्ट बॉब कट किया था, मेरी बेटी के काफ़ी लंबे बाल हो गए थे तो उनको कट किया है एकदम ईयर लेंथ तक, तो जाके आप चेक कर लीजिएगा अगर आपने वीडियो नहीं देखी है। कस्टमर पे कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से करना है, फोरहेड पे, यहाँ पे दबाने से क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट होता है जिससे आपके आईज को काफ़ी रिलैक्स मिलता है। आईज के सेंटर पॉइंट पे दबाना होता है। प्रेशर पॉइंट की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिससे आपके
फेशियल में मसाज में ग्लो आने का चांसेस बढ़ जाता है काफ़ी हद तक। तो हमने क्लींजिंग कर ली पीटीएम के लिए, अब इसको स्पंज से साफ कर लेंगे। मेरी स्किन ड्राई है तो मैं ड्राई के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, बट मैं साथ साथ में ऑयली स्किन के लिए भी टिप्स देते जा रही हूँ। अगर आपकी ऑयली है तो आप वो सारी चीज़ें ऐड करोगे जो मैं बता रही हूँ। ओके, तो सेकेंड स्टेप हमको टोनिंग करना है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम है, तो आपको टोनिंग से पहले एक स्टेप और बढ़ा देना है, अपने टीटीएम में स्क्रब कर लेना है। स्क्रब करने से क्या होगा, जो भी आपके स्किन में एक्स्ट्रा ऑयल है और जो भी गंदगी है, पिंपल्स है, वो काफ़ी हद तक, और स्क्रब में ग्लिसरीन ऑयली स्किन वालों को डालना ही डालना है। ओके, ऑयली स्किन वालों को स्क्रब लगाने से पहले आप अपने पूरे फेस पे ग्लिसरीन ऐड कर दो, एंड उसके बाद स्क्रब लगा के फिंगर टिप से मसाज करो और उसको रिमूव करो। 5 मिनट से 10 मिनट तक मसाज कीजिए तो आपका मेकअप और भी ज़्यादा खूबसूरत निकल के आएगा। तो मेरे फेस पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट टोनर अप्लाई करी। टोनर बहुत सारी कंपनियों के बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं, नाम क्या बताऊँ, यहाँ पे आपको जो सूट करता है वो आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे गुलाब जल मुझे बेस्ट लगता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताए हैं। मैं यहाँ पे रोज़ वाटर लगा रही हूँ, इसमें क्लिनजिंग मॉइस्चराइजिंग एंड टोनिंग सारी चीज़ें ऐसा लिखा हुआ है कि है इसमें, तो बस मैं इसको अप्लाई कर, इसको मैंने ऑनलाइन लिया था, ये मुझे पड़ा है 120 समथिंग में पड़ा है, एंड बहुत ही अच्छा है। एंड ये मुझे हाफ लीटर का, आधा लीटर का मिल गया है पूरा 500 मिलीलीटर। अब इसको पूरा अच्छे से, इसमें स्प्रे वाला ये अलग से दिया हुआ था, अगर आपको ये चाहिए तो आप बता देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ले लोगे। मैंने इसको मीशो से अप्लाई किया था, सॉरी मीशो से मंगाया था। आप इससे वैसे भी डालोगे ना 1 लीटर एंड हाफ लीटर तो आ जाएगा और आप ले सकते हो। तो अच्छे से आपको टोनिंग करना है फेस को, जो भी टोनर आप यूज करते हो, गुड वाइफ, जो भी आपको अच्छा लगता है, बायोटिक वगैरह। अब टोनर लगाने के बाद से आपको 2 से 4 मिनट तक छोड़ना है, जिससे कि जो टोनर है वो आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तुरंत के तुरंत नेक्स्ट प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ी देर इसको रोकेंगे उसके, ताकि अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे, तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो भी बताऊँगी। जैसे गुलाब जल आप ले रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा कि आप गुलाबरी का गुलाब जल ना लो। मैं ये ली थी और इसको जब भी मैं लगाती हूँ तो मेरे स्किन पे बड़े बड़े छाले टाइप के हो जाते हैं। तो गुलाबरी का जो गुलाब जल है, इसे पता नहीं क्या दिक्कत है, ये सबके स्किन पे सूट नहीं करता है। तो आप ऐसी प्रोडक्ट चूज़ कीजिए जो सबके स्किन पे सूट करे, अगर आप फर्स्ट टाइम खरीद रहे हो। अगर आपको पहले से सूट करता है तो आप ले लो, लेकिन आप फर्स्ट टाइम खरीद रहे हो, जैसे आपने टोनर नहीं लिया, आपने सोचा प्रीत मैम ने गुलाब जल यूज़ किया तो मैं भी गुलाब जल यूज़ कर लेती हूँ, तो आपको गुलाबरी का गुलाब जल नहीं लेना है। ये कई लोगों को सूट नहीं करता है, तो गुलाबरी स्किप करके बाकी कोई भी कंपनी का ले सकते हो। क्योंकि इसको मैंने जब भी अप्लाई किया, मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, और मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो मुझे लगा कहीं प्रोडक्ट में दिखा दो। मैंने 2-3 बार चेंज भी किया इसको, फिर भी जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ तो ये मुझे सूट नहीं करता है। तो हो सकता है कि आपको भी ना सूट करे, तो आप गुलाबरी स्किप कर देना अगर फर्स्ट टाइम ले रहे हो गुलाब जल, तो बाकी कोई भी लगा सकते हो। तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि जो आपने टोनर अपने फेस पे अप्लाई किया था वो अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है। जब टोनर अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए तो आप नेक्स्ट स्टेप लोगे मॉइस्चराइजिंग का। तो मैं यहाँ पे जो मॉइस्चराइजर है वो मैंने लिया है लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम, नॉन स्टिकी है और 24 घंटे तक ये आपकी स्किन को नरिशिंग एंड मॉइस्चराइज रखता है। काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है फॉर ड्राई स्किन। अगर आपकी ड्राई स्किन है, आप कोई बेस्ट मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट है, गो फॉर इट। मैंने इसको दुकान से लिया है, आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफर चलते रहते हैं, अभी पर्पल पे काफ़ी अच्छे खासे ऑफर चल रहे हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, कोई भी ऐप से ले सकते हो, या फिर आप दुकान के पास के दुकान में। ये मैंने बड़ा लिया था, इसकी छोटी वाली डिब्बी भी आती है 50 रुपये में, तो आप वो भी ले सकते हो। तो थोड़ी देर मैंने वेट कर लिया है और अभी अच्छे से जो टोनर है वो मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अभी अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है टोनर, 1 सेकेंड जा रहा है। तो सॉरी गाइज, कॉल आ गया था। अब हम लोग मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे, तो मॉइस्चराइजिंग के लिए मैंने इतना लिया है, इस तरीके से पूरे फेस पे फैला दूंगी। अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करना है अपने फेस पे, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है मॉइस्चराइजर लगाने में। और मॉइस्चराइजर लगा के आपको 5 मिनट स्किन छोड़
फेस को वैसे ही छोड़ना है इस तरीके से सर्कुलर मूवमेंट में मसाज करते हुए। इतना प्रोसेस तो आप अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में भी कर सकते हो। अच्छे से लगाने के बाद से 5 मिनट तक छोड़ देंगे, उसके बाद से प्राइमर लगा के अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सीटीएम क्या होता है। सीटीएम, अगर आप सीटीएम नहीं करते हो तो आपका जो मेकअप है वो ब्लैक पड़ सकता है और मेकअप का जो लुक है वो अच्छा नहीं आएगा और हो सकता है कि कोई साइड इफेक्ट आ जाए स्किन पे। तो आप जब भी किसी भी कस्टमर का सॉरी मेकअप कर रहे हो तो सीटीएम ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया हो कुछ तो पीछे जाके आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, A to Z चीज़ें क्लियर कर दी हैं सीटीएम के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।